कुछ हटके था, कुछ नया था, बढ़िया बढ़िया आया है अभी अभी नज़र में, और ये आप लोग ने नहीं देखा होगा। आई एम डैम श्योर आप लोग को नहीं पता होगा कि ऐसा भी कुछ हो रहा है जबलपुर में। सो दिल की गहराइयों से आप सभी का स्वागत है। व्हाट अ वाइब, व्हाट अ लाइफ। काफ़ी टाइम बाद आपके भैया फिर से आपके सामने हाजिर हैं, और आज आपको लेकर चल रहे हैं शिव आराध्य विहार में भगवान केदारनाथ के दर्शन करवाने। अभी भैया जो हैं, यानी अभी मैं जो हूँ, ये हूँ मेडिकल रोड पे। यहाँ से जाना होता है, मुझे एग्जैक्ट एड्रेस नहीं पता है। मैंने इंस्टाग्राम पे रील देखी है, रील देखने के बाद मैंने थोड़ा बहुत पता किया है, तो उस जगह का नाम है शिव आराध्य विहार। अंधुआ करके एक जगह है जो हाईवे लग जाता है, नेशनल हाईवे हमारा, वहाँ से है वो जगह। तो हम आपको वहाँ लेकर चल रहे हैं। मंदिर को देखते ही साथ मुझसे रुका नहीं गया, और टाइम निकाल कर हम महादेव के दर्शन करने जा रहे हैं, क्योंकि जो एक्चुअल में केदारनाथ धाम है वहाँ तो हमारा जाना हो नहीं पा रहा है, लेकिन किसी ना किसी तरीके से प्रभु के दर्शन यहाँ मिल रहे हैं उन्हीं के स्वरूप में। उन्हें कैसे छोड़ा जाए, सही बात है कि नहीं है? और बाकी बताओ आप लोग कैसे हो, कैसी चल रही है लाइफ, क्या चल रहा है किसकी लाइफ में? हमारी लाइफ में तो सिवाय काम के अभी कुछ नहीं चल रहा है, और हर किसी की लाइफ में ऐसा होता होगा, या पता नहीं मेरे ही साथ ऐसा हो रहा है कि काम तो हम कर रहे हैं लेकिन उसका दाम नहीं मिल रहा है हमको। मोटो व्लॉग करते हुए मैं इसलिए जा रहा हूँ क्योंकि सभी लोग इंस्टाग्राम रील्स बना रहे हैं और एग्जैक्ट लोकेशन किसी को पता नहीं है, और वहाँ जाते कैसे हैं किसी को पता नहीं है। तो सिद्धार्थ भैया का दायित्व बनता है कि आपको एक व्लॉग फॉर्मेट में, एक लॉन्ग वीडियो के फॉर्मेट में इस प्लेस के बारे में बताया जाए, जैसे हम पहले बताते हुए आ रहे हैं दूसरी दूसरी प्लेसेस को। व्लॉग को देखने के बाद अगर किसी की इच्छा हो रही है, जो कि होगी ही, प्रभु महादेव के दर्शन करने की, तो वो ईजिली इस ब्लॉग को देख के वहाँ तक पहुँच सकें और दर्शन कर सकें। ये है अंधुआ बाईपास, अंधमुख बाईपास कहते हैं इसे। ये है नेशनल हाईवे, कई बार आपने मेरे ब्लॉग्स में देखा होगा। हम लोग यहीं से काफ़ी सारी प्लेसेस जाते हैं। भैया थोड़ा आराम से, शिव आराध्य विहार यहाँ से राइट लेने पे है, पेट्रोल पम्प के बाजू से यहाँ से। ओ नाइस, हर्टफुलनेस, वाह, जबलपुर में ये सब हो रहा है, हम कहाँ रह रहे हैं फिर? रोड भी बन गई है, क्रिएटिविटी भी हो रही है, वाह वाह वाह। ओ इलेक्शन ईयर है इसलिए। ये पहला ही पेट्रोल पंप है, आप जैसे यहाँ पे आएंगे तो जो फर्स्ट पेट्रोल पंप राइट हैंड साइड पे पड़ेगा वही वाला है, वहीं से टर्न लेना था। यहीं से जाना है क्या? पूछना पड़ेगा क्या किसी से? रुको भैया से पूछते हैं। भैया शिव आराध्य विहार कहाँ है? अरे यार भैया यार, तो वो जो पीछे दीदी दिख रही थी, उन्होंने बताया कि इसी रोड पे सीधे सीधे है शिव आराध्य विहार कॉलोनी। क्या है कि मैं पूछ पूछ के जा सकता हूँ, मतलब बिना रिकॉर्ड किए, लेकिन अगर मैं रिकॉर्ड नहीं करूँगा और फिर मैं डायरेक्ट जाके बता दूंगा तो आप लोग कन्फ्यूज जाओगे कि यार यार जाना कहाँ से था, और अभी जैसे मैं कन्फ्यूज़ हो गया हूँ कि अब कहाँ जाना है। शिव आराध्य विहार तो ये है, महादेव का मंदिर कहाँ है? ये तो धनवंतरी नगर निकल जाएंगे हम। इसलिए ना मैं गूगल मैप्स पे बिल्कुल भरोसा नहीं करता, साला चूतिया होता है। धनवंतरी नगर से सीधा सीधा रास्ता है, वहाँ से आओगे तो पहला लेफ्ट, उसके बाद तीसरा राइट। मेरे को कहाँ से घुमा के लेके आया है ये गूगल मैप्स, बेवकूफ़ चूतिया। अच्छा खासा धनवंतरी नगर से रास्ता है ये, यहाँ से मैं आया हूँ और यहाँ जाना है, यहाँ मंदिर है। ये है शिव आराध्य विहार, यही होना चाहिए वो मंदिर अंदर। अरे यार महादेव को ढूंढना इतना मुश्किल क्यों होता है यार, हर बार अलग ही खेल खेलते हैं वो। आओ वत्स, ढूंढो हमें, कहाँ हो गुरुजी? अरे यहाँ हो गुरुजी, ये हो, ठीक है आ गए भैया। ये है मंदिर। सो बेसिकली एक टाउनशिप है, बिल्डर्स जो हैं वो यहाँ पे टाउनशिप को बनाए हुए हैं उन्होंने। मेरे पीछे ये मंदिर है और सीन काफ़ी सही है, यहाँ पे पूरा खेत खेत अभी लगे हुए हैं, काफ़ी खुला एनवायरनमेंट है, पीछे मंदिर है। तो रास्ता मैंने आपको बता दिया कि यहाँ तक आपको कैसे पहुँचना है, गूगल मैप्स का जो लोकेशन है वो भी मैं आपको दे दूँगा। मैं गूगल मैप्स पे विश्वास नहीं करता हूँ, सीधा सीधा रास्ता है, मैंने पूरा आपको बता दिया। अब आप एक काम करिए, ईयरफोन्स लगा लीजिए, क्योंकि आपको पता है कि ये भैया वीडियोज़ नहीं वाइब्स बनाते हैं, तो पहले दर्शन करवाते हैं आपको खूबसूरती के, और उसके बाद फिर यहाँ पे जो जो चीज़ें हैं वो मैं आपको बताऊँगा, ठीक है?
यहाँ पे शुद्ध पेयजल मिलेगा आपको पानी पीने के लिए, ठंडा ठंडा, है ना। और यहाँ पे आपको अपने शूज़ एंड स्लीपर्स रिमूव करने हैं, देन यहाँ से एंट्री है और वो मंदिर है। और छोटा सा पार्क ही डेवलप किया गया जो अभी मैं अंदर जा रहा हूँ और आपको दिखाता हूँ। वाइब बहुत अच्छी है भाई, देखो मंदिर की खूबसूरती यहाँ से आपने वैसे भी सिनेमैटिक शॉट्स में देखा है, मैं यहाँ से फिर से आपको दिखा दे रहा हूँ। काफ़ी काफ़ी खूबसूरत मंदिर बनाया गया है ये। सो अभी आपने मंदिर अच्छे से देख लिया बाहर से, काफ़ी अच्छे शॉट्स आए हैं, बहुत खूबसूरत मंदिर है, बहुत ही खूबसूरत मंदिर है। अब मैं मंदिर के अंदर जा रहा हूँ और जो अंदर पंडित जी हैं उनसे थोड़ा वार्तालाप करेंगे। ये है अंदर से मंदिर देखने पे जो बहुत खूबसूरत तरीके से बनाया गया है। मन्नत पूरी हुई है उसके बाद बाबा को यहाँ पे स्थापित किया गया है। ये मार्बल की फ्लोरिंग है पूरी। मंदिर की बाहर की बनावट आपने देख ली है और अब मैं थोड़ा सा पास लेके जा रहा हूँ, अंदर नहीं जाऊँगा, जलहरी के पास यहाँ पे ही रहूँगा। और ये है शिवलिंग, बहुत अच्छा मंदिर, बहुत अच्छी फीलिंग के साथ। और अभी ज़्यादा लोग हैं ही नहीं तो भगवान जो हैं एकदम अकेले हैं अभी, तो बहुत अच्छे से उनके दर्शन भी हो पा रहे हैं और आप लोग देख भी पा रहे हो। एक बार ज़रूर इस ब्लॉग को देख के आप लोग यहाँ पे आइएगा, आप लोगों को बहुत अच्छा लगेगा। पीछे जो है वो केदारनाथ धाम जो है वहाँ की फ़ोटो लगी हुई है और जो 12 ज्योतिर्लिंग हैं उनके अवतार बने हुए हैं इस फ़ोटो में। पीछे सबसे पीछे ब्रह्मा जी दिख रहे हैं, इधर गणेश जी और बीच में जो है वो शिवलिंग स्थापित है। ये हैं आशीष महाराज पंडित जी जो मंदिर की देखभाल करते हैं। तो अब पंडित जी बताएंगे कि मंदिर को बने हुए कितना टाइम हुआ है और मंदिर कितने बजे खुल जाता है श्रद्धालुओं के लिए, और भंडारा वगैरह जो होता है तो लोग अगर करना चाहते हैं तो उसका क्या कैसा विधि विधान है। मंदिर सुबह 7 बजे खुल जाता है जी, तो फिर 12 बजे बंद हो जाता है, पट बंद हो जाता है। शाम को 4:30 बजे से लेकर 8:30 बजे तक खुला रहता है। आरती कितने बजे होती है? आरती 7:30 बजे सायंकालीन होती है, शाम को सुबह 8 बजे सुबह 8 बजे और जो भंडारा प्रसाद वगैरह है सोमवार को आरती के पश्चात होता है। अच्छा, हर सोमवार भंडारा होता है। भंडारा जैसे अगर किसी को कुछ प्रसाद या कुछ करना हो भंडारा की तो कर सकते कर सकते हैं ना, स्वयं आकर के कर सकते हैं। ये मंदिर के दर्शन करने लोग बाहर से आ सकते हैं? आ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। कोई दिक्कत नहीं। सो प्रसाद लग गया है, टीका भी लग गया है, अंदर मैंने आपको महादेव के दर्शन भी करवा दिए हैं, दिखा भी दिया है। बहुत सही मंदिर है, बहुत बढ़िया मंदिर। मंदिर हमेशा ही सुंदर होते हैं, हमेशा ही खूबसूरत होते हैं, कोई भी मंदिर हो, कहीं का भी मंदिर हो। इस मंदिर को बनाया बहुत अच्छा है, कारीगर ने जो बनावट दी है वो बहुत खूबसूरत है। यहाँ से रेलवे लाइन जा रही है ना, पहले ये पूरा ऐसा खेत 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 हुआ करते थे, अभी जो है यहाँ पे टाउनशिप रेडी हो रही है, ऑलमोस्ट हो गई, लोग रहना भी शुरू कर दिए यहाँ पे, तो ये उनके लिए। लेकिन बाहर वाले जो हैं जैसे पंडित जी ने बताया तो वो भी दर्शन करने आ सकते हैं। और मेरे इस ब्लॉग को बनाने का मकसद ये था कि किसी को अगर यहाँ तक पहुँचना है तो उसके पास प्रॉपर एड्रेस होना चाहिए। अभी अभी शाम हो गई है, 6:15 हो रहे हैं, गर्मियाँ हैं तो इस वजह से सूरज दादा जो हैं वो थोड़ा देर से ढलते हैं, लेकिन जो खूबसूरती है इस मंदिर की और इस जगह की, इंस्टाग्राम की वजह से मैं यहाँ पर आ पाया और बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस है। ये छोटा सा पार्क ऐसा बना के दिया गया यहाँ पे, यहाँ पे ये बेंचेस रखी हुई हैं, ठीक है, यहाँ पे आप पानी पी सकते हो, मैंने आधी साथ आपको बताया। उसके उस तरफ आपको अपने शूज़ एंड स्लीपर्स रिमूव करने होते हैं। ये मंदिर है, पंडित जी से भी हमारी मुलाकात हुई, मंदिर की देखभाल बहुत खूबसूरत है। 3 महीने हुए हैं बस इस मंदिर को बने हुए और पीछे से रेलवे लाइन जा रही है, वो सनसेट हो रहा है वहाँ पे, सनराइज़ यहाँ से होता है, चिड़ियों की आवाज़ आ रही है शाम के टाइम पे, बड़ा ही सही एटमॉस्फेयर, बड़ा ही सही माहौल। सो कैसा लगा आप लोगों को ये ब्लॉग, ये मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। ये कुछ हटके था, कुछ नया था, बढ़िया बढ़िया आया है अभी नज़र में और ये आप लोग ने नहीं देखा होगा। आई एम डैम श्योर आप लोग को नहीं पता होगा कि ऐसा भी कुछ हो रहा है जबलपुर में, और ऐसी बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं जो मैं आगे आपके लिए लेके आने वाला हूँ। सो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं फिर आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ और चिल वर्क के साथ जीते रहिए। बाय बाय, हर हर महादेव।